चलिए एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। यमुनानगर से आपको जानकारी दे दें कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरे देश में हाई अलर्ट है। जगह जगह पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। यमुनानगर में भी अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन दिखाई दे रहा है। वाहनों संदिग्ध लोगों पर पैनी नजर रखी जा रही है, चेकिंग की जा रही है आने वाले लोगों पर, और सीसीटीवी कैमरे से भी लोगों पर नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर इस समय अलर्ट मोड पर प्रशासन नजर आ रहा है, और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि चौक चौराहों पर पुलिस का जो वाहन है वो मौजूद है। पुलिस का यही प्रयास रहेगा कि यमुनानगर से पहले जो है वो पुलिस प्रेजेंस सड़क पे जो है वो बढ़े, जो संवेदनशील स्थान है वहाँ पे पुलिस की मौजूदगी रहेगी, जो कोई सार्वजनिक स्थान होटल ढाबे धर्मशाला इत्यादि जहाँ पे लोग बाहर से आके रहते हैं वहाँ पे भी हमारी निगरानी रहेगी, और हम लगातार इन सभी संस्थानों के सभी स्थानों के जो इनके मैनेजर इत्यादि हैं या जो भी इनका देखभाल करते हैं उनके साथ संपर्क में, कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से आता है उसकी सूचना दें, और आम जन से यही अपील है 15 अगस्त में सुरक्षा को देखते हुए अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु कोई संदिग्ध व्यक्ति उनको अगर नजर आता है तो तुरंत उसकी सूचना पुलिस को दें 112 के माध्यम से या अपने नजदीकी पुलिस थाने या पुलिस चौकी में जाके सूचना दें। 15 अगस्त की सुरक्षा के बारे में हमें जो गाइडलाइन मिली है उसके तहत हमने शहर के सभी संदिग्ध संस्थानों और होटलों ढाबों पर चेकिंग शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन पर हम आज भी चेकिंग कर रहे हैं। पेट्रोलिंग वहाँ हमारी लगातार चली हुई है, और हमारी 10 राइडर और 3 ERV मेरी थाना शहर यमुनानगर के क्षेत्र में 24 आवर पेट्रोलिंग कर रही है, और हम सुरक्षा की दृष्टि से पूरी चौकसी